देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री लगातार, आपको बता दें कि चिकित्सा विभाग और अन्य विभागों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने यह कहा कि प्रदेश की सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। चिकित्सा महकमे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, जिसे लेकर प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स सीएमएचओ और मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य के साथ बैठक कर वहां पर सुविधाएं बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। इसी के साथ मंत्री ने मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन और कोरोना महामारी को कम करने के लिए भारत सरकार की ओर से बनाई गई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में व्यवस्था की जाएगी, जिसमें कृषि, औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों में गाइडलाइन के अनुसार छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन पे सारे जिला कलेक्टर्स को 10 दिन में आप पूरे अपने जिले में जितने भी सीएमएचओज हैं, जेडी हैं या जहां मेडिकल कॉलेज है वहां के प्रिंसिपल्स को बुला के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस रूप में मजबूत किया जा सकता है उसका आप खाका बना के हमको दीजिए, ताकि उसी लाइन पे हम काम करें। तो पर्याप्त वेंटिलेटर हो, पर्याप्त आईसीयू हो, पर्याप्त बेड्स की व्यवस्था हो, हीमोडायलिसिस की व्यवस्था हो, एक्सरे की लेटेस्ट मशीनें हो, सोनोग्राफी की व्यवस्था हो, पैथोलॉजी की लेबोरेटरीज को हम स्ट्रेंथन करें, कोई चीज के लिए रेफर करने की जरूरत नहीं पड़े, राजस्थान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत बने, इस बात के डायरेक्शन मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए। और मुझे उम्मीद है कि 10 दिन में जो सुझाव आएंगे, चाहे हमारा एसडीआरएफ का पैसा है, चाहे हमारे विधायक कोष का पैसा है या राज्य सरकार और मुख्यमंत्री सहायता कोष से, किसी भी रूप में जो भी बजट हम खर्च करें इस वक्त, वो आने वाली जरूरतों को पूरा करने के दृष्टिकोण से, राजस्थान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से पूरी कंट्री में नंबर एक बने, इस पे जोर दिया जा रहा है। ये महामारी से तो मुकाबला कर ही रहे, प्रदेश को बचाएंगे, ये हमारा संकल्प है। और एक व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देके बचाएंगे, किसानों की समस्याओं का समाधान होगा, उनके प्रोक्योरमेंट का काम शुरू हो गया है, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है या हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो लॉकडाउन के कानून की या हमारी जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग की उसको मेंटेन करते हुए, चाहे माइनिंग एक्टिविटी है, तो लोगों को रोजगार भी मिले, नरेगा भी चले, सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर चले, ताकि कोई भूखा नहीं रहे, राज्य की इकोनॉमी भी पटरी पर रहे। हालांकि बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है सर, इस तरह के असामान्य हालात में राज्य की इकोनॉमी तो पहले से ही बहुत खतरे के निशान पे है। उन्होंने पूरी गाइडलाइन विस्तार से जारी की है कि क्या हम लिबरल कर रहे हैं, एक्टिविटीज कौन सी, वो सारी आ चुकी है, अखबारों में भी आ गई है। 20 तारीख के बाद में उसको लागू कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। और मैंने कहा ना आपको कि किसान की फसल कट गई, उसके लिए जो पंजाब से मशीनरी आती थी उसको वहां के मुख्यमंत्री से, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बात की, अलाउ किया गया, वो आई, फसल काट के चली भी गई वो। उसके बाद में जो अनाज पड़ा हुआ है उसका प्रिक्योरमेंट समर्थन मूल्य के ऊपर, राजस्थान में 400 जगह गौण मंडियां हो, चाहे हमारी केवीएसएस हो, चाहे जीएसएस हो, उनके माध्यम से किसान का, और 1500 लोगों को ये खरीद के अधिकार दिए गए, ताकि कोई बिचौलिया नहीं रहे, किसान नहीं मरेगा, किसान जिंदा रहेगा राजस्थान में, इस बात को मुख्यमंत्री खुद सुनिश्चित कर रहे हैं। तो हमारे किसान को बचा रहे हैं, मजदूरों को बचा रहे हैं, 2500 रुपये 31 लाख से ज़्यादा मजदूरों को उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर किए हैं। और राजस्थान पहला राज्य है जहां डेस्टिट्यूट्स, जो बेसहारा लोग हैं, चाहे वो कचरा बीनते हों, दिहाड़ी मजदूर हों, स्ट्रीट वेंडर्स हों, जिनके पास आशियाना नहीं है, रहने की जगह नहीं है, उन लोगों की लिस्ट बनाई है और करीब 1.5 लाख लोग चिन्हित किए गए। जयपुर से अब खबर।